क्लास तो इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर करनी है एक रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन और सोल्यूशन जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था जो टॉपिक यहाँ पर इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट है और सेकंड हम सेल्स एक्स का एक बेसिक सा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे और उसकी उसके सोल्यूशन करेंगे ताकि हमारा ये एरिया कवर्ड हो जाए और फिर जो एक और हमारी क्लास रह गई थी उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे इन तो मैं यहाँ पे सवाल पढ़ने जा रहा हूँ और साथ में इसको डिस्कस भी करता चाहूँगा

वो फाइल ना किया और जो दो हज़ार बाईस का है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया सर हमें पता कैसे चला ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर पर्सन की इंडिविजुअल की जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर हो उसकी नॉर्मल इंडिविजुअल की जो ड्यू डेट है वो है तीस सेप्टेम्बर एवरी ईयर तो और अज्यूमिंग के यहाँ पर कोई एक्सटेंशन भी नहीं आई थी एवरी ईयर तो 2021 का अगर उन्होंने 15 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल ना किया मालूम हुआ कि वो ड्यू डेट से एक्सीड कर गए और 15 अगस्त 2022 को जो ड्यू डेट के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल किया था 2022 का जो ब्रोकर है स्टेट ब्रोकर है उसने उन्होंने मिस्टर ए को ये गाइड किया कि आज अगर आप ये प्लॉट खरीदने जाते हैं तो आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स लगेगा वो डबल लग जाएगा क्योंकि प्रोविजन ऐसे ही मौजूद हैं कि अगर आप फाइलर हैं तो कम रेट है और नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा रेट है तो आज फर्स्ट जनवरी 2023 को अगर मैंने उसकी हेल्प करनी है तो मैं उसको क्या गाइड करूं चूंकि उसने 22 का रिटर्न टाइम से फाइल किया था तो फर्स्ट मार्च 2023 को उसका नाम ए टी की लिस्ट में आ जाएगा क्योंकि लिस्ट हर साल फर्स्ट तारीख को फर्स्ट मार्च को अपडेट होती है तो आज फर्स्ट जनवरी 2023 को अगर तो उसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसको क्या करना चाहिए मिस्टर ए को सबसे पहले अपना टैक्सीयर दो हज़ार का रिटर्न फाइल करना चाहिए और एक हज़ार रुपया पेनल्टी पे करनी चाहिए अगर वो इक्कीस का रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देते तो फर्स्ट मार्च 2022 को उनका नाम एटीएल टी की लिस्ट में आ जाता और इफेक्टिवली आज फर्स्ट जनवरी 2023 को इनका नाम एटीएल टी लिस्ट में होता मगर उन्होंने टाइम से फाइल नहीं किया अब अगर वो रिटर्न फाइल कर दें और एक हजार पेनल्टी पे कर दें तो वो इस चीज़ से बच जाएंगे इसका आंसर रीड कर लेते हैं टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न इन ड्यू डेट बिकम्स एक्टिव टैक्स पेयर The list of active taxpayers is updated by FBR on first March 20 of the every calendar year. However, if a person by any reason could not file return in due date, can become taxpayer by paying thousand rupee penalty being an individual. Mr. A has filed his return for tax year 2022 in due date due time.

कि उसको उनको टैक्सर इक्कीस का रिटर्न भी फाइल करना चाहिए क्योंकि सवाल को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो पंद्रह अक्टूबर तक रिटर्न फाइल ना कर सके और अगर यहाँ पे इससे हम ये समझ लें कि पंद्रह अक्टूबर तक ना कर सके और पंद्रह अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर दिया था तो इट्स ओके अब सिर्फ हजार रुपए पे पेनल्टी पे कर दें और वो ए टी के लिस्ट में आ जाएंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिस्टर ए वॉज बिजी विद हाउस रिलोकेशन एंड कुड नॉट फाइल रिटर्न फॉर दो हजार इक्कीस यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बता दिया कि किस का रिटर्न फाइल ही नहीं किया

यहाँ पे भी तकरीबन सेम फैक्ट है यहाँ पे भी हम यही गाइड करेंगे कि आपने हजार रुपये पेनल्टी पे करनी है और इक्कीस का रिटर्न फाइल कर देना है यही फाइलिंग यही सजेस्ट किया गया और पेनल्टी पे करनी है बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा हैंड आउट आपके एल एम एस पे मौजूद है अच्छा जी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एक मरतबा इसको थोड़ा रीडेबल पोजिशन में ले आए और साफ कर दें अच्छा जी अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री अस्मा अच्छा जी सवाल में ये लिखा हुआ है

Every resident person who is registered with Pakistan Medical Dental Association is required to file a return irrespective of annual taxable income and other parameters. Based on above, although Asma's housewife has no source of income, she is still liable to file a return <clears throat> because she is resident as per tax laws and registered with Pakistan Medical Dental Association. <laughs> now, point number four Khatija. खतीजा इज डेंटिस्ट एंड रजिस्टर्ड विद पीएमडीसी आफ्टर मैरिज शी लेफ्ट प्रैक्टिस एंड करेंटली इज हाउस हाउसवाइफ ओनली शी हैज नो सोर्स ऑफ इनकम एज हर हस्बैंड वर्क्स इन लिव इन यूएई एंड पाकिस्तान इन टेक्स रेड ट्वेंटी पाकिस्तान एडवाइस खतीजा इज लेबल टू फाइल अच्छा यहाँ पर एक बात मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि जो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होगा वो वो रिटर्न फाइल करेगा जो साथ में रेजिडेंट भी हो यानी अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं आपने डॉक्टरी पूरी करी अगर आप नॉन रेजिडेंट हो गए तो आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर को रेजिडेंट भी होना चाहिए तो यहाँ पर हम खतीजा को स्टेटस देखते हुए यही समझ रहे हैं कि दो खतीजा मेंबर तो हैं बट शी इज नॉट रेजिडेंट पर्सन सिंस शी इज नॉट रेजिडेंट पेयर एज पर लॉस तो उस पर रिटर्न फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है बेस्ड ऑन अब खतीजा इज नॉट लाइबल टू फाइल हर रिटर्न एज शी इज नॉट रेजिडेंट टेक्सपेयर एज पर द टैक्स लॉस इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है नेक्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> ये है कि मिस्टर इमरान इसको एक मतलब मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ. अच्छा जी

तो इमरान को करनी पड़ेगी। अच्छा यहां पर इमरान ना होता और होता मिसाल के तौर पर विडो तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता नहीं अगर एक विडो है और उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सिर्फ इस वजह से कि उसके पास गाड़ी है या घर है हम उसको कहेंगे आप रिटर्न फाइल नहीं करना लास्ट पॉइंट मिस साइमा विडो No रि करने की रिक्वाज नो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उनके पास से बाजार सीसी से ज्यादा की वहीकल है अब हम इस लेक्चर में जैसे हमने कमिट किया था कि हम दो चीजें कवर करेंगे अब हम एक बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे <coughs> अच्छा जी तो हम एक बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं शीर्षक का और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छा जी मिस्टर अहमद हैं टैक्स पीरियड है अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हमें पता है सी के अंदर मंथली सबमिशन होती है सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन लेट्स से इन्होंने सप्लाई करी है रजिस्टर्ड पर्सन को पचास लाख रुपए की सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन लेट्स से इन्होंने करी है दो मिलियन की और ये दोनों अज्यूमिंग लोकल सप्लाईज हैं और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करी हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करी हैं लेट से कोई चार मिलियन की ठीक है जी अच्छा इसके अलावा जो इन्होंने परचेजेस करी हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अज्यूमिंग इन्होंने परचेजेस करी हैं दस मिलियन की इसके अलावा इनका जो यूटिलिटी बिल्स पे इनपुट है जो परचेज पे लगता है वो है अज्यूमिंग कोई पांच लाख रुपया और इसके अलावा एडिशनल बात ये है कि उन्होंने फ्रॉम परचेजेस वन मिलियन परचेज जो परचेजेस है दस मिलियन की उसमें से वन मिलियन परचेज पेमेंट वर इन कैश कैलकुलेट रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेट सेल्स टेक्स आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं अच्छा जी तो मिस्टर अहमद पीरियड अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और इसके अलावा वही हैडिंग हम डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल एंड कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल अच्छा जी सबसे पहले मुझे अपना आउटपुट टैक्स निकालना होगा और आउटपुट टैक्स निकलता है सप्लाईज पे तो जो मैंने सेल की है रजिस्टर्ड पर्सन को लास्ट वो मैंने की है पाँच मिलियन की और उस पर जो सेल टैक्स का रेट है जनरल सेल टैक्स का रेट है वो अट्ठारह परसेंट फाइव मिलियन का एटीन परसेंट फाइव मिलियन का एटीन परसेंट नाइन हंड्रेड थाउजेंड तो मैंने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की है वो है दो मिलियन की और उस पर अट्ठारह परसेंट सेल्स टैक्स कितना बनता होगा तीन लाख साठ हजार रुपए। सर अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज करने पर फर्दर टैक्स भी पे होता है बट वो आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आता वो हम अलग से रखते हैं इसके बाद जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है मेरे पास सर उस पर जीरो रेटेड टैक्स होता है यानी फोर मिलियन इंटू जीरो परसेंट अच्छा सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पे हम फर्दर टैक्स लगाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या मेरा कस्टमर रजिस्टर्ड होगा सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर कस्टमर अनरजिस्टर्ड ही होगा बट उसके अंदर जो मेरा रेट होगा वो ज़ीरो परसेंट होगा और इज नो फर्दर टैक्स कॉन्सेप्ट अच्छा जी अब मेरे पास इनपुट टैक्स है इनपुट टैक्स के अंदर सबसे पहले मैं अगर यूटिलिटी वाला ले लूँ इट इज सिंपल पाँच लाख रुपये इसके अलावा जो मैंने परचेजेस किए रजिस्टर्ड परसन है सर उसके अंदर मुझे जो दस मिलियन की मैंने परचेजेस की हैं उसमें से एक मिलियन मुझे माइनस करना पड़ेगा और अट्ठारह नौ मिलियन पे अट्ठारह परसेंट मुझे मिल पाएगा विच इज नौ लाख रुपए विच इज लेट मी कैलकुलेट नाइन मिलियन का एटीन परसेंट इज सिक्सटीन ट्वेंटी सर एक मिलियन पर मुझे अपना इनपुट टैक्स डिसअलाउ करना पड़ेगा इस वजह से कि मैंने ये सीखा था कि अगर पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा की मैं परचेज़ कर रहा हूँ और मेरी कैश में पेमेंट है तो उस पर मेरा इनपुट टैक्स क्या हो जाता है क्लास डिसअलाउ हो जाता है तो एग्ज़ाम में आप इसके साथ एक नोट बना के लिख देंगे कि मैं एक मिलियन का इनपुट टैक्स क्यों नहीं ले रहा तो अब मेरे पास जो टोटल अवेलेबल इनपुट आ गया वो आ गया इक्कीस लाख बीस हज़ार रुपये अगर मुझे कुछ ना पता होता तो सिंपल मैं आउटपुट में से इनपुट माइनस करता तो यहाँ पर मेरे पास रिफंडेबल आ जाता बट सर मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास एक फर्दर टैक्स भी है जो मैंने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की थी दो मिलियन की उस पर मुझे फोर परसेंट फर्दर टैक्स भी निकालना होगा तो सर टू परसेंट टू मिलियन का फोर परसेंट एटी थाउजेंड रुपीज़ अच्छा जी इसके बाद मुझे ये भी याद है कि जो लॉ मुझे अलाउ करता है वो मेरे इनपुट टैक्स के अंदर एक बार लगाता है वो कहता है इनपुट में क्लेम कर सकता हूँ नाइन्टी परसेंट ऑफ माई आउटपुट टैक्स तो सबसे पहले अब मैं कैलकुलेशन जब नंबर्स मेरे फ़ाइनल हो गए अब मैं इन्हीं नंबर्स की बेसिस पे अपनी लाइबिलिटी निकालने जाऊँगा तो सर मेरे पास जो मेरा आउटपुट टैक्स है वो कितना है बारह लाख साठ हज़ार रुपये इस पर कोई मसला को परेशानी नहीं है सर मुझे इनपुट कितना मिलेगा मेरा अलावेबल इनपुट कितना होगा उसके लिए मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी और वो कितनी होगी सर अलावेबल इनपुट में सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा एक्चुअल इनपुट कितना है और वो यहाँ पर है इक्कीस लाख बीस हज़ार रुपये और मैं उसको कंपेयर करता हूँ नाइन्टी परसेंट ऑफ माई आउटपुट है और मेरा आउटपुट है बारह लाख साठ हजार रुपये और उसका जो नाइन्टी परसेंट बनता है सर मेरे आउटपुट का नाइन्टी परसेंट जो बनता है बारह लाख साठ हज़ार रुपये का साथ में एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा उससे मिस्टेक हो सकती है ग्यारह लाख ,00 चौंतीस हज़ार रुपये उस सब मेरे पास जो अवेलेबल इनपुट है क्योंकि मैंने इसका लोअर ऑफ लेना होता है लोअर ऑफ एक्चुअल इनपुट और नाइन्टी परसेंट ऑफ आउटपुट टैक्स उस सर मैं ग्यारह लाख चौंतीस हज़ार रुपये का इनपुट क्लेम कर सकता हूँ इसके अलावा मुझे एक फ़र्दर टैक्स भी पे करना है विच इज़ अदर देन इनपुट एंड आउटपुट और वो है अस्सी हजार रुपए तो सर मेरी जो नेट लाइबिलिटी बन रही है स्टेट फॉर मार्च फॉर ट्वेंटी माइनस इलेवन थर्टी फोर प्लस एटी तो सर ये मिला जुला के बन रही है दो लाख छ हज़ार रुपये अच्छा जी इसके अलावा मेरे पास जो अवेलेबल इनपुट था जो मेरा एक्चुअल इनपुट था सर वो था इक्कीस लाख बीस हजार रुपए सर इसमें से मैंने क्लेम कितना कर सका तो सर मैं क्लेम कर सका ग्यारह लाख चौंतीस हजार रुपये तो सर क्या बाकी ज़ाया हो जाएगा सर बाकी ज़ाया नहीं होगा बल्कि वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो बनेगा नाइन हंड्रेड एंड एटी सिक्स थाउजेंड तो क्लास थैंक यू सो मच इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें दो प्रैक्टिस चीजें देखनी थी एक सेल्स एक्स का बेसिक क्वेश्चन और एक रिटर्न फाइलिंग तो क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे या क्लास के अंदर मजीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू